एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू क्रियांश ब्लॉग। और आज मैं इस टाइम वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ बातें हो रही हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और हम लोग भी अच्छे फैमिली से हैं, हम लोग कोई बुरे फैमिली से नहीं हैं। और हम लोग अगर यूट्यूब पे हैं तो हमारे पास भी कोई कंडीशन है, इसलिए हम यूट्यूब पे आए हैं। माना कि हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं बट इसका नाजायज़ फ़ायदा कोई भी ना उठाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज जो प्रेरणा ऋषभ त्यागी जी ने जो भी कुछ बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है अपने वीडियोज़ में, क्योंकि ऐसा हुआ है। और जब मैंने उनका वीडियोज़ देखा तो मैं भी शॉक में चली गई क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। तो इस पर हम क्यों बात नहीं करें? हम सिर्फ व्यूज़ के लिए इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और बात जो बात है वो आपको मैं आज क्लियर बताती हूँ कि क्या हुआ था। कि मैं बागरी जी के पास इंस्टा पे मैंने मैसेज किया कि, और मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप मेरा थोड़ा हेल्प कर दें। तो मैंने बोला कि मैम प्लीज़ आप मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दें। तो उन्होंने क्या किया ना, रोहित का नंबर दिया। उन्होंने बोला कि मैं मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम कम्युनिटी पे कितना डालें तो मतलब आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, ये रोहित का नंबर है, आप इस पे बात कर लीजिए, वो आपका चैनल को मोनेटाइज करवा देगा। तो मैं ना शॉक में चली गई कि चैनल को कोई भी मोनेटाइज कैसे करवा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब के हाथ में है। और ये सिर्फ हम, मतलब हम जो हैं अच्छे कंटेंट लेकर के बात करेंगे, हम अगर अच्छे व्यूज देंगे, अगर हम अच्छे मतलब अच्छा वीडियो बनाएंगे तो हमारा आएगा ना। और उस रोहित से पता नहीं उन्होंने किसका नंबर दिया, मैंने कॉल किया और वो तो मुझे रोहित का आवाज लगा नहीं। सीरियसली वो मुझे रोहित का आवाज नहीं लगा मनीषा। और मुझे पता है कि मनीषा और रोहित नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा गेमर है जिसका मैं पोल खोल दूंगी कि वो कौन है। बट मैं अभी नहीं बोलना चाहती इस टॉपिक पे क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो नेहा बागरी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बात को ना बढ़ाएं। जो ममता जी का आपने पैसा लिया है वो दे दीजिए, नहीं तो बात अगर बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और जो आप बार बार बोल रही हैं हम किसका हेल्प करें, कितना हेल्प करें, तो सॉरी नेहा बागरी जी, आप कोई किसी का हेल्प नहीं कर रही हैं, आप भी तो किसी से हेल्प ली हैं। मनीषा आपके साथ क्या कर रही हैं, वो भी तो आपका हेल्प ही कर रही है ना। आपका व्यूज और आपका जो भी गया वो किसके वजह से गया है? मनीषा के यार में आप सब कुछ खेल रही हैं ना। और क्या क्या फोन पे बात हुआ है ना मेरा, वो मेरे पास सारा प्रूफ है। मेरे पास इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट भी मैंने लेकर के रखा हुआ है और मैंने रिकॉर्डिंग भी वो किया हुआ है, जो भी पता नहीं कैसे वो रिकॉर्ड हो चुका है। और मेरा फोन जो है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे भी मैं किसी से बात करती हूँ तो वो रिकॉर्ड में चला गया है। और प्लीज इस बात को ना बढ़ाएं, नहीं तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी विथ प्रूफ कि वो बात क्या क्या आप लोगों ने की है। और अगर मैं बात वो डाल दी ना यूट्यूब पे तो आप लोगों की धज्जियां उड़ जाएगी और वो क्लियर हो जाएगा कि वो रोहित है या कोई और है। सो प्लीज़ आप ज़्यादा बात को ना बढ़ाइए। और आप किसी का हेल्प नहीं कर रही थी, सो ये सब बात आप किसी, ये छोटा बात आप लाइव में आकर के इस तरीके से मत बोलिए क्योंकि बहुत ख़राब लग रहा है। क्योंकि हम ही लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट दिए हैं और मैंने ही आपके लिए कम्युनिटी में एक यूट्यूब पे एक वीडियोज़ डाला था और बहुत अच्छा वीडियोज़ डाला था, वो बहुत अच्छा गया भी। पर आप किसी का नाजायज फायदा मत उठाइए। और प्रेरणा ऋषभ त्यागी जी जो भी बोल रहे हैं एक एक वर्ड सही है, उनमें कोई भी झूठ कुछ भी झूठ नहीं है और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। सो प्लीज अगर आप कुछ भी बात आइंदा कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो आप बनाएंगे किसी को भी लेकर के, तो मैं विथ प्रूफ विथ एविडेंस वो सब कुछ मैं YT पे डाल दूंगी, फिर आप सोचिएगा कि आपका क्या होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए क्योंकि मेरे पास एविडेंस भी है और बहुत कुछ है जो कि मैं अभी बोलना नहीं चाह रही हूँ। और सो छोड़िए इस बात को, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और मैं आज रात में 9 बजे लाइव भी आऊँगी तो मेरा लाइव ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग।